दुर्ग आदर्श नगर में नवनिर्मित कलर्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया व गृह मंत्री तामध्वज साहू पहुंचे और विधिवत फीता काटकर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। दुर्ग आदर्श नगर में नवनिर्मित कलर्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, गृह मंत्री तामध्वज साहू व विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बागलीवाल की उपस्थिति में विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया गया। 40 बिस्तरों के इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 0 से 18 तक के एज के बच्चों के लिए चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। हम बता दें, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इस हॉस्पिटल में ओपीडी, आईसीयू, एनआईसीयू और साथ ही आरसीआईडी से संबद्ध पैथोलॉजी सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त कमरों के साथ आवश्यक सुविधाएं भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। हॉस्पिटल के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगातार विभिन्न प्रकार की बीमारियां हर वर्ग के लोगों में आते जा रहा है, चाहे वो प्रदूषण के कारण हो, पर्यावरण के कारण हो, हमारी जिंदगी जीने के तरीके में परिवर्तन के कारण हो, उसके लिए अलग अलग प्रकार के चिकित्सालय सरकार के द्वारा, निजी क्षेत्र में भी विशेषज्ञों की टीम के साथ स्थापित किए जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में दुर्ग में बच्चों के लिए जो आज हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया, मैं डॉक्टरों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम लोग अंदर में देख रहे थे, आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और बहुत अच्छे ढंग से हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। सारी सुविधाएँ भी हैं और चिकित्सकों की भी व्यवस्थाएँ की गई हैं, तो निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सबको मैंने बधाई दी है। आज कलर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक उद्घाटन हो रहा है, जो हमारे नवजात बच्चों के इलाज जो होते हैं, और इसके अलावा जो छोटे से लेकर 18 साल तक के बच्चों का जो इलाज का हॉस्पिटल है, एक आधुनिक हॉस्पिटल बनाया गया है। डॉक्टर रंगपुर और उनके सभी साथियों ने, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिससे हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं रहती, और एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास। वहीं अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई है। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रेया तिवारी, सीरो विशेषज्ञ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आप यहाँ पे आए और कलर्स चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को इतनी सारी शुभकामनाएं दी हैं। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कलर्स चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है 7 मई 2023, और सीरो विशेषज्ञ होने के नाते ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह का अस्पताल दुर्भिलाई में खुला है, जिसके वजह से हमारे जो बच्चे डिलीवर होते हैं उनको एक बहुत स्वस्थ लाइफ मिल सकती है। एंड कलर्स का नाम हमने इतना कलरफुल ही ऑलरेडी इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे यहाँ पे हंसते खेलते अपना अच्छे से इलाज करा पाएँ, और प्लस उपलब्ध सुविधाएं बताएं, उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या हैं? हमारे पास 40 बिस्तर टोटल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, ये यहाँ पे 20 बेडेड एनआईसीयू है और बाकी पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक आईसीयू है, और हम यहाँ पे 0 से लेके 18 ईयर्स तक के सारे बच्चों का हम ट्रीटमेंट करेंगे। और यहाँ पे डॉक्टर अंकुर तिवारी, डॉक्टर अंकुर परघनिया सर, डॉक्टर आकांक्षा परघनिया, डॉक्टर रुपेश अग्रवाल अपनी सेवाएं देंगे। 24 घंटे एम्बुलेंस एवं डॉक्टर की सुविधाएं रहेंगी और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फार्मेसी अवेलेबल। शहरवासियों को बोलूँगी कि ये इससे बेहतर अस्पताल बच्चों के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक स्त्री रोग विशेषज्ञ इस पर इतना ट्रस्ट कर सकती है तो आप मान सकते हैं कि ये बच्चों के लिए कितना स्वस्थ होगा। थैंक यू सो मच। बहरहाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य शख्सियतों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।